साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोगों के कुछ कमेंट थे शॉर्टली तरीके से, तो मैंने एक वीडियो बनाया है। वीडियो बनाने का मेन पर्पज ये होता है कि एक वीडियो का अगर मैं वीडियो के माध्यम से आंसर देता हूं तो सेम सेम लगभग लोगों के क्वेश्चन होते हैं, तो सभी लोगों के पास ये नॉलेजेबल जो वीडियो होते हैं वो जो क्वेश्चन होते हैं वो पहुंच जाते हैं, उनके आंसर होते हैं वो भी सबके पास पहुंच जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेनिफिट होता है, ताकि आपको इधर उधर ताक जांग नहीं करनी पड़े या कॉल नहीं करना पड़े, या आपको पूरी नॉलेज इसके बारे में हो जाए। तो आज मैं बात करूंगा, आज कुछ टॉपिक पे आपने नए टॉपिक पे कि आपने कुछ कमेंट किए थे उसका आंसर वीडियो के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ साथियों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज नए टॉपिक पे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए अपन आज शुरुआत करते हैं। तो शिप मोहम्मद बोलते हैं डोंट कम कतर, यानी ये बोलते हैं कतर मत आना, जॉब हेयर ओनली कंस्ट्रक्शन जॉब हेयर सैलरी ऑल्सो इज नॉट गुड, 3 मंथ सैलरी विल होल्ड बाई कंपनीज, मैक्सिमम सैलरी 12 रियाल्स गेट पर मंथ। यानी ये भाई साहब ये बोल रहे हैं कि भाई कतर में नहीं आना है, कतर में ओनली फॉर 1200 रियाल आपको सैलरी मिलेगी, और कतर में ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन का जॉब है। तो भाई सत्य बात यही है, ये वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ, और गलत में तो कंस्ट्रक्शन का ही जॉब है, पूरी दुनिया जानती है भाई। 1200 रुपये सैलरी में ठीक है ना, कतर में मेरे हिसाब से 15 लाख से प्लस लोग कतर में रहते हैं, पागल नहीं है वो, ठीक है ना। अरे आप भी कतर ही रह रहे हो ना, फिर लोगों को सजेशन देना गलत बात है। आप कतर में काम कर रहे हो फिर लोगों को बोल रहे हो कि कतर मत आओ, तो भाई गलत बात है। पहले इंडिया आके बैठो फिर लोगों को बोलना कि कतर मत आओ, ठीक है। ड्यू एंड आई, अशोक भाई मैं मलेशिया ई वीजा 3 डेज के लिए गया था पर मुझे डिपोर्ट कर दिया गया, 3 दिन के बाद क्या मैं फिर से विजिट वीजा पे जा सकता हूँ मलेशिया, प्लीज बताओ। मेरा व्हाट्सअप भाई नंबर मुझे दिए, इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं कॉल करके आपको बता दूं, लेकिन आप 3 दिन के लिए गए थे डिपोर्ट कर दिया, फिर आप जाना चाहते हैं। अगर आप आपको लगता है कि आप इमिग्रेशन क्लियर कर लोगे तो आप जाओ, वरना फिर वही कंडीशन होगी, आपको वापस भेज देंगे, 3 दिन 36 घंटे के लिए अंदर रखेंगे, फिर आपको इंडिया आना पड़ेगा, आपका टिकट का पैसा हो सकता है। शो मनी भी कई बार सुनने में आता है कि वो ले लेते हैं, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। तो आप इमिग्रेशन को अगर क्लियरेंस करने की हिम्मत रखते हो तो आप जा सकते हो, वरना तो भाई दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। मोहम्मद सलीम बोलते हैं सर वीजा स्टाम्प होने के बाद कितने दिन में टिकट हो जाता है? भाई वीजा आपके पासपोर्ट में लग गया, इसका मतलब आपका काम हो गया। अब आपके एजेंट पे डिपेंड करता है, आपके ऑफिस पे डिपेंड करता है, या फिर आगे जहां से आपका वीजा आ रहा है उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको कब तक बुलाएं। क्योंकि लगभग में ये होता है वीजा 3 मंथ का वीजा होता है आपके पासपोर्ट में, अगर लग गया तो 3 महीने के अंदर वीजा लगने के बाद कभी भी आप फ्लाइट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए तो 3 महीने में कभी भी फ्लाइट हो सकता है, बाकी उन पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना जल्दी वो बुलाते हैं, ठीक है भाई। मोहम्मद सलीम बोलते हैं, राजवीर गिल बोलते हैं सर मलेशिया टेल मी, मलेशिया के लिए इंग्लिश की नीड है? भाई देखिए कोई भी कंट्री के लिए इंग्लिश की नीड तो होती है, क्योंकि इंडियन लैंग्वेज हिंदी है, वो हिंदी इंडिया में चलती है, बाकी कहीं पर नहीं चलती है, आपको पता है। बाकी आप कोई भी कंट्री में जाओगे तो आपको वहां की कन्वेंस, आपकी लैंग्वेज कन्वेंस करने के लिए इंग्लिश आनी जरूरी है। बाकी लेबर काम में इतना जरूरत नहीं होती इंग्लिश की, लेकिन फिर भी कुछ वर्ड आपको आने चाहिए आपकी सहूलियत के लिए, उसमें आपका फायदा है, ठीक है जी। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप गल्फ में या फिर कंट्री में नहीं जा सकते, आप जा सकते हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। कुमार शर्मा बोलते हैं 80,000 में चाहिए आजाद वीजा कतर में तो बोलो। मैंने एक वीडियो डाला था कि कतर में अगर आप आजाद वीजा लेते हो तो लगभग 1.5 लाख रुपए लगते हैं, ठीक है। अगर आप आजाद वीजा लोगे, दुबई का लेते हो तो लगभग 2 लाख रुपए लग जाते हैं, लेकिन ये भाई साहब 80,000 में कतर वीजा, कतर में आजाद वीजा दे रहे हैं। यही ऐसे ही कमेंट में या फिर कैसे भी आके लोग फंस जाते हैं, क्योंकि मैंने बोला भाई 1.5 लाख रुपए लगते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि कतर का पैसा लगता है, 1.5 लाख रुपए करीब लग जाता है, ठीक है। लेकिन ये भाई साहब 80,000 में दे रहे हैं तो कोई ना कोई चुंगल में फंस जाता है, जबकि वो तो बाद में पता चलेगा कि वो वीजा कौन सा है, क्योंकि आजाद वीजा भी कई तरीके के होते हैं, समझ गए बात को। मनोज वर्मा बोलते हैं जानकारी पहुंचाने के लिए डालते हो वीडियो तो पैसा क्यों मांगते हो? भाई ये तो आप लोगों ने अपना धंधा बना रखा है। तो मनोज वर्मा जी मैं बता दूं कि वीडियो डालने के पैसे नहीं तो कोई मांगता है, नहीं कोई ले सकता है, ठीक है। वीडियो देखो कौन पैसा लेता है यार, पर्सनल नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी लेते हो तो आपको, अगर विदेश आप जा रहे हो 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो 500 रुपए में आपको नुकसान, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। वीडियो डालें, वीडियो देखो, कॉल मत करो। कौन पैसा बोलेगा कि भाई आपने मेरा वीडियो देखा आप पैसा दो? ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं बोल सकता। बाकी बिजनेस तो हर किसी का होता है, आप भी तो विदेश का वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं विदेश जाने के रिलेटेड, वो तो आपका बिजनेस, वो भी तो धंधा ही है ना आपका,
सिंपल सी बात है, ये बातें समझाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको। हरपिंदर सिंह बोलते हैं आउट पास स्पेशल पास ओपन 2 मंथ हो गया, बेवकूफ बना रही है। अब ये देखो कुछ लोग अनफिट कैटेगरी के होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता। मैंने एक वीडियो डाला था 1 साल पहले कि मलेशिया के आउट पास बंद हैं। इस बंदे ने थोड़े टाइम पहले देखा, बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आउट पास तो चालू। अब इसने तारीख नहीं देखी कि ये वीडियो अपन 1 साल पहले का देख रहे हैं, ये अभी देख रहा है, करंट में मैसेज कर दिया। ये लोगों की खासियत होती है, सोचे समझे बिना कमेंट कर देते हैं। उनको नहीं पता होता कि अपन क्या बोल रहे हैं। कम से कम यार पहले देख तो लिया करो कि इसमें है क्या। ये 1 साल पहले का वीडियो, कमेंट आप आज की डेट में कर रहे हो तो अच्छी बात थोड़ी है। आज तो पूरी दुनिया को पता है कि मलेशिया के आउट पास ओपन है, बताने की जरूरत ही नहीं है। गोल्डी परमार बोलते हैं ब्रोम में पहले कतर में ट्रक ड्राइवर था, 4 साल से मेरी सैलरी 5500 कतरी रियाल है, खाना रहना खाना सब कंपनी का है, राइट नाउ आई एम इन कनाडा। ये देखिए भाई, ऊपर एक कमेंट मैंने स्टार्टिंग में लिया था, 1200 से ऊपर कतर में सैलरी नहीं है। ये भाई बोल रहे हैं 5500 रियाल कमा रहा है, यानी इंडिया का 1 लाख से ऊपर सैलरी। ठीक है, कतर में ये बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, फिर भी इसको चाहिए कनाडा का जॉब। ये लालच होता है, यहाँ बंदे को ये लालच मरवा देता है। अब यार लाख रुपए सैलरी एक ट्रक ड्राइवर की कम होती है? सोचने की बात है, नहीं होती मेरे हिसाब से। अब ये बंदा, इसको कोई ना कोई लालच, मेरे जैसा तो क्या कोई ना कोई एजेंट इनको मिल जाएंगे, बोलते हैं हाँ भाई कनाडा का वीजा ड्राइवर में हम दिलवा देंगे। अब ये बंदा इस जॉब को रिजाइन देगा, एग्जिट करेगा, इसको लात मार के वापस इंडिया आ जाएगा कनाडा जाने के चक्कर में, क्योंकि वहां 3-4 लाख रुपए महीना मिलता है ना, लोग बोल देते हैं ना, तो इस चक्कर में लोग डूब जाते हैं, क्योंकि लालच हमेशा गला कटवाता है। लाख रुपए सैलरी कम नहीं होती एक ट्रक ड्राइवर के लिए, लेकिन इसको ये छोड़ के कनाडा जाने की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी एजेंट के चुगल में ऐसे लोग फंस जाते हैं, फिर बोलते हैं हमें लूट गए, हम बर्बाद हो गए, एजेंट ने पैसे खा लिए, हमारे साथ चीटिंग हो गई, धोखा हो गया। तो कहीं ना कहीं अपन भी कुछ ना कुछ इसमें गलती में भागीदार बनते हैं भाई, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रख लो यार। सोनू कुमार बोलते हैं सर कोई काम नहीं जानता हूँ क्या मैं विदेश जा सकता हूँ? भाई काम नहीं जानते हो तो भी आप विदेश जा सकते हो, बेशक आपको कैटेगरी लेबर का काम मिल जाएगा, उसमें सैलरी जो होती है कोई भी आप कंट्री के अकॉर्डिंग लेबर के काम में जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं जानते तो विदेश नहीं जा सकते। इंडिया में जो काम नहीं करते हैं वो लगभग विदेश जाते हैं, जो यहाँ करते हैं उनको तो जाने की जरूरत नहीं पड़ती भाई, ठीक है। मोहम्मद आबिद अंसारी बोलते हैं सऊदी जाने से पहले इमिग्रेशन कहाँ से होता है सर हमें बताएं? भाई इमिग्रेशन देखिए वो तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट करता है, आप कहीं पर भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाके जैसे दिल्ली करवा लो, बॉम्बे कलकत्ता कहीं पर भी आप इमिग्रेशन अपना करवा सकते हो। वो तो आपका जो वीजा दे रहा है लगभग तो उसकी जिम्मेदारी होती है, वो आपका इमिग्रेशन करवाता है। या फिर आपका डायरेक्ट मान लो कि वीजा आ रहा है सऊदी का आ रहा है, तो आपने आपके लोकल ऑफिस में करो ना आप इमिग्रेशन, दूर तक क्यों सोचते हो, 1000-2000-3000 पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन आपका लोकल जो एरिया होता है वहां पे एजेंट होते हैं, ऑफिसें होती हैं, वो वकाला जिसको वकाला बोलते हैं वो वकाले का काम करते हैं, वो आपका टिकट आपका इमिग्रेशन वीजा स्टाम्प सब कुछ करा के देते हैं। 25 दिन से 1 महीने का टाइम इसमें लग जाता है, तो यहाँ तक मत पहुंचो, यहाँ से करवा लो, आपको बेनिफिट ज्यादा रहेगा इसमें। गुरप्रीत सिंह जी बोलते हैं आपका नंबर नहीं लगता। जी भाई मैंने हर वीडियो में सिर्फ व्हाट्सअप नंबर बोल रखा है, कम से कम 100 वीडियो मैंने ऐसे बना रखे हैं जिनमें केवल व्हाट्सअप करें ये मैसेज मैंने साफ साफ लिख के छोड़ता हूँ मैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आती नंबर नहीं लगता, तो भाई इसका मेरे पास कोई इलाज भी नहीं है। बाकी मैंने साफ साफ लिख रखा है केवल व्हाट्सअप करें, इसका मतलब क्या होता है आप आराम से समझ सकते हो। रंगीलो राजस्थानी बोलते हैं सर जी विजिट टू वर्क वीजा मिल जाएगा क्या मलेशिया में? भाई फिलहाल तो नहीं मिलेगा, बहुत सारे वीडियो पहले भी डाले हैं और अभी कोई चांस नहीं है विजिट टू वर्क में, ठीक है, अभी तो परमिट में ही सांसें पड़ रहे हैं, तो विजिट टू वर्क तो बहुत दूर की बात है। नई 10 जनवरी तक क्या अपडेट आती है उस पर मैं आपको वीडियो के साथ शेयर करूंगा, उसमें पूरी जानकारी का पता लगेगा कि सच्चाई नए गवर्नमेंट रूल क्या लेके आ रही है। एमडी नसीब पर बोलते हैं रहमान बोलते हैं अशोक जी इंडिया में क्या जॉब नहीं है इंडियन लोगों को? आप देश के बाहर जाने की सलाह मत दिया करो, इंडिया में जॉब है तो डालो ना। भाई देखिए मैं सिर्फ सलाह, मेरा काम है इंक्वायरी देना, और आपको पता है कि अगर इंडिया के बाहर लोग नहीं जाएंगे तो गवर्नमेंट ने फिर लाइसेंस दे के लोगों को क्यों बैठी है यार? लगभग 4000 के करीब तो रजिस्टर्ड इंडिया में लाइसेंस मैन पावर है, ठीक है, अब उनको भी ये दिमाग आपको दे देना चाहिए, आपको गवर्नमेंट को दिमाग ही है ना अपना, उनको दे देना चाहिए कि गवर्नमेंट की आप इंडियन लोगों को बाहर क्यों भेज रहे हो? 5 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की विदेश में है, और आपको पता है कि इंडिया के लोग बाहर जाके कमाते हैं तो देश की इकोनॉमी बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। आप इन चीजों को नहीं समझोगे, आपका दिमाग थोड़ा लो लेवल का है, समझ गए बात को? विदेश जाके कमाना कोई छोटी बात नहीं होती,
बड़ी बात होती है ये। लेबर की बात मत करो, 20-25 हजार लोग बहुत पैसा कमाते हैं, जितना आप सोच नहीं सकते, समझ गए। तो विदेश जाके कमाना छोटी बात नहीं होती, वहां से पैसा आता है इंडिया में तो इकोनॉमी में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, देश के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर इसमें बताने लगूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा गलत था, लेकिन लोगों से शेयर करने में मुझे अच्छा लगा, इसलिए लोगों को बता दिया। तो साथियों, वीडियो में जितने कमेंट थे मैंने वीडियो के माध्यम से आंसर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, आपका भी कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, कोशिश करके मैं वीडियो के माध्यम से आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन का जो बटन उसको दबा लें, ताकि हर रोज नई अपडेट के साथ हर रोज नया वीडियो आपको मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।